अभियान युवा विकास यात्रा नो आरंभ थयो छे। जुदा जुदा जिला में फरती फरती यात्रा आज कल्याण मुकामे पहुंची छे। आज सवाल भावनगर में स्वामी विवेकानंद युवा परिषद नो कार्यक्रम हतो। लगभग 60,000 युवक नो मेळावड़ो हतो। अने भावनगर थी सीधो हूँ करजणमा आ जोम जुस्सा भरेल सौ जनता जनार्दन ने वच्चे आव्यो छुं।
मेरू परिणाम शो आयो। आज कांग्रेस ने रोज सवारे जूठाणा ने जाहिर खबर आपी पड़े तो नहीं तो पहला सरकार ने પોતાની સાચી વાત કહેવા માટે જાહેર ખબર આપવી પડતી હતી, આજે દિલ્હીની સરકારને જૂઠાણાની જાહેર ખબર આપવા માટે આ ગુજરાતની જનતાએ મજબૂર કરી દીધા છે। આપણો કલ્યાણ વિસ્તાર કપાસનું ઉત્પાદન કરનારો પટ્ટો, અહીંના બધા લોકોને ખબર છે કે કપાસની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાને કારણે कपास पकवता खेडूतो ने केटलुं नुकसान थयुं छे। 15,000 करोड़ रूपियानो चूनो लागी गयो, 15,000 करोड़ गुजरातना खेडूतो ने। अने पाछा कहेजे छूं श्रीमान मनमोहनसिंह जी, तमारी सरकार प्रजाने साची माहिती आपवा माटे तैयार होय तो मारो सीधे सीधो सवाल छे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जवाब आपो। मार्च महीना के अंदर दुनिया में कपास ना भाव शू हता? भाइयों बहनों, आखी दुनिया में मार्च महीना में कपास ना भाव सौथी ऊंचे हता। अने एज वक्ते गुजरात ना खेडूतों ना कपास पर प्रतिबंध मुकवानुं कारण जो गुजरात नो खेडूत कपास विदेश में निकास न करे एनो प्रतिबंध दुनिया में जारे भाव ऊंचा में ऊंचा हता त्यारे केम मुक्यो तमे? अने एना ज कारणे गुजरात ना कपास पकवता खेडूतों ने 15,000 करोड़ रूपया नो नुकसान। जवाब भाइयों बहनों, आपने जितनो कपास पकड़िए छे एना करता अमेरिका त्रीजा भाव नो कपास पकड़े छे। आपने 100 बोरी पकड़ता होइए तो 30 बोरी पकड़े छे। आपने 100 गांठ होय तो 30 गांठ। तेम छतां आ वर्षे दुनियामां कपास एक्सपोर्ट करवामां अमेरिका नो नंबर पहलो छे। आपणा करता तीजा भावनो कपास पकवे छता दुनियाना बजारमां अमेरिकानो कपास वेचाय अने हिंदुस्तानो कपास डोक्यू करीने दरिया किनारे उभो होय अने दिल्हीनी सरकार आवीने फाटक बंद करी दे, आ नुकसान कोने थयुं? માત્ર ખેડૂતોને થયું નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને નુકસાન થયું છે। અને અમેરિકા જો કપાસ ઓછો પકવીને કપાસ એક્સપોર્ટ કરવામાં દુનિયાનો પહેલો નંબર લેતું હોય તો ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત એકલું એકલું ગુજરાત આખા દુનિયામાં કપાસ એક્સપોર્ટ કરવામાં નંબર 1 લઈ લે એવી તાકાત। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मने जरा जवाब आपे, शा कारणे मीडिया ना मित्रों की विनती आई छे कि हिंदी में बोलो तो सारू। भाई आखा देश में थी इमने कोई हरा हरा चल रहा पाना थी, बजे थी इमने मौका ना सरा चल रहे। एक मात्र गुजरात एवं छे कि जाते हरा हरा चलने शक्यता छे, इतने आलोकों देश भर में इतनी समाचारों को ढगलो ले जवा मांगे छे, माटे हिंदी में भी नहीं कर। એમના કામનું આવશે ત્યારે હિન્દીમાં બોલી દઈશ, મને ખબર છે એમને શેની જરૂર છે।
कांग्रेस ना लोगों प्रजा ने मूर्ख न बनाओ। तमारा राजमा मटन की निकास पर सब्सिडी छे अने कॉटन की निकास पर तमे बेरो रोको तमारा इनकार नहीं कर सको। प्रधानमंत्री आप परीक्षण नो पर्व चाली रही छे हमारा जैन भाई बहनों साधना कर रहा छे। आज हूँ भावनगर तो त्या मने मुनि तरुण सागर जी नो पत्र आयो एमनो संदेश आयो एमने कह्यु के मोदी जी तमे आवाज उठाओ कपिल सिब्बल ना पत्नी नो कतलखाना में भागीदारी छे अने ये कतलखाना नु नाम पाछु अरिहंत स्लॉटर हाउस आवी गयो। अरिहंत तरुण सागर जी ने मने पूछू मैं तो भाई हूं तो मैं क्या तपास करवा जाऊं जनता जनार्दन में तुम्हारी बात पहुंचाड़ी दी। आगे तुम्हें कतलखानू करो तुम्हें कॉटन में जीत करो तो दिल्ली की सरकार तुमने पानी पाई आपे नहीं आपे जे भाई या कॉटन वाला जे बता आपे जे पर तुम्हें कतलखानू करो तो 15 करोड़ रुपए सब्सिडी आपे कहो धंधो शिखवाड़े थे। देखो आप कांग्रेस की दिशा आप कतलखाना की दिशा में आपने जरूर पाए आपने तो कॉटन की दिशा में जरूर देने आप कांग्रेस में खेल जा रहे थे ऐ दिशा में मारो आप लोग भाइयों बहनों कांग्रेस की दिशा है कई दिशा कांग्रेस की ओरखाण शू भागला पाड़ो राज करो कांग्रेस એટલે ભાગલા પાડો અને ભાજપ એટલે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ આ બે દિશા છે। ખબર પડી ગઈ કે કઈ દિશા હાથી કોંગ્રેસ તો આ કામ છે ભાગલા પાડો ભાઈ ભાઈ ને લડાઓ જાતિ જાતિ ને લડાઓ કોમ કોમ ને લડાઓ ગામ ગામ ને લડાઓ પ્રાંત પ્રાંત
एक नेता अमेरिका में गया और यूं बोला कि रमन नु गुजरात छे ना ना तुम्हें रमन जोड़े आयो तो करी आया था भाई ना तुम्हें तो क्या पूछो ये जमाना में तुम्हें तो ना नागरिक था कई भाषा बोलना मारे गुजरात में आपने बदनाम करो तो भाइयों बहनों हमारी छापा में दया करें टीवी में कोई तो नहीं भाइयों बहनों आ थप्पड़ जे छे ने ये 6 करोड़ गुजराती ना काल पर पड़े छे अने दिल्ली नी सरकार रोज अपने थप्पड़ मारे छे अने वात ने उजागर करवा माटे मैं टीवी ना माध्यम थी मारे वात कही रह्यो छु अने थप्पड़ टीवी पर वागे छे तंबर कांग्रेस ना तो अत्यार्थी तमाम ने तो फाटक बंद
કહેવાય? આ કોંગ્રેસના લોકો કેવી છેતરપિંડી કરે છે! જો ભાઈ બહેનો કોઈ ભૂલ કરે તો આપણે માફ કરતા હોય છે, કોઈ કસૂરવાર રહી જાય તો માફ કરતા હોય છે, કામ કરતા કરતા થોડું અધૂરું થાય તો માફ કરતા હોઈએ, પણ કોઈ છેતરપિંડી કરે તો માફ કરાય? કોઈને છેતરપિંડી કરે તો માફ કરાય? અરે સગો ભાઈ પણ છેતરપિંડી કરે ને તો બે ભાઈ જિંદગી સુધી બોલતા નથી હોતા, છેતરપિંડી કોઈ સહન ન કરે. આ કોંગ્રેસ છેતરપિંડી કરે છે. લોકસભાની ચૂંટણી વખતે એમણે કહ્યું હતું કે 100 દિવસમાં મોંઘવારી હટાવીશું. બોલો ને, 100 દિવસમાં મોંઘવારી હટાવવાનું કહ્યું હતું. મોંઘવારી હતી? કેસના માટલા લઈ ફરતા ઉપર પાટો માર્યું કે ના માર્યું? આને છેતરપિંડી કહેવાય? આને છેતરપિંડી કહેવાય? આને છેતરપિંડી કહેવાય? આનો હિસાબ ચૂકતે કરવો જોઈએ. હવે હવે તમારા મોં આવ્યો છે, પાડી દો. दूसरी बात, अब फिर से आवाज उठाई है, क्यों? वो भी
मिर्ची भी वही बेचेंगे, तेल भी वही बेचेंगे, नमक भी वही बेचेंगे, ब्लेड चाहिए तो वो वही बेचेंगे, बच्चों को पेंसिल चाहिए तो विदेश से आकर के बेचेगा। अब आपकी दुकानें बंद, हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों का कारोबार बंद, ये दूसरा निर्णय उन्होंने किया है। और उसमें भी उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कठोर निर्णय करने का और हम लड़ते लड़ते मरेंगे। उन्होंने कहा हम लड़ते लड़ते मरेंगे। अरे मनमोहन सिंह जी, पूरा देश देख रहा है आप में लड़ते लड़ते मरने की ताकत नहीं है, आप तो मरते मरते लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने एक और सवाल गंभीरता से पूछना चाहता हूं, ये विदेशों से भारत में व्यापारी बुलाने का जो आपने खेल खेला है, छोटे व्यापारी यहां घुसने वाले हैं, सारे व्यापारियों की दुकानें बंद होने वाली है देश के, करोड़ों छोटे व्यापारी हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये विदेश से जो लोग आने वाले हैं इसमें इटाली से आने वाले कितने लोग हैं? कितने व्यापारी इटली में हैं? कितना पूंजी निवेश इटली से आने वाला है? कितने शहरों में इटली के लोग अपनी दुकान लगाने वाले हैं? इटाली के किन किन लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है? प्रधानमंत्री, देश की जनता आपसे ये जानकारी मांगती है और मैं आपसे पूछता हूं कि आप खुली बात बताइए, इटली के कितने लोगों के इसका लाभ मिलने वाला है? मेरा सवाल जायज है कि नहीं? आप मुझे जरा जवाब दीजिए, मैं ठीक पूछ रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारे दूसरा एक मल्टी ब्रांड का भी डिसीजन लिया है, इनको समझ नहीं है होगा क्या। मान लीजिए आपके कस्बे में कोई छोटा सा कारखाना है, उस कारखाने में छाता बनता है, छतरी बने, छतरी मानो के बने, उस छाता बनाने वाले कारखाने में 50 लड़के काम करते हैं और उनका छाता बनता है, बिकता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, छोटा उद्योगपति है, एक छोटा कारखाना उसका काम करता है। अगर मल्टी ब्रांड के कारण चीन में से बना हुआ छाता यहां आएगा, अब मुझे बताइए कि आपका छाता 50 रुपए में बनता है, उनका छाता 25 में आता है, तो छाता कौन सा बिकेगा? चीन वाला बिकेगा? आपका छाता वाला का छाता बिकेगा? उसका कारखाना चलेगा? उसके यहां नौकरी करने वालों को कोई रखेगा? ये 50 नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, कारखाना बंद हो जाएगा। और दुनिया के देशों की ताकत बहुत बड़ी है, वो छोटी छोटी चीजें बना बना करके हिंदुस्तान के अंदर डंप कर देंगे और हिंदुस्तान के छोटे छोटे कारखानेदार बेचारा सुबह शाम मेहनत करके रोटी कमा रहा है, उसके कारखाने बंद हो जाएंगे, उसके नौजवान रोजगार पाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री, सवाल ये नहीं है क्या आपने नौजवानों के रोजी रोटी पर सोचा है? क्या आपने छोटे कारखानों पर सोचा है? क्या आपने कोई लेबर प्लेसमेंट के लिए कोई योजना बनाई है? इन सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देश पूछना चाहता है। और गुजरात की धरती, 5 रुपया का डीजल बढ़ा देना, हमारे व्यापारियों को तबाह करके गोरे व्यापारियों को लाने का षड्यंत्र करना, सिंगम बनना है इसलिए बनना था, अरे कोयले चोरों को पकड़ के सिंगम बनते तो देश आपको सिंगम मान लेता। बहनों, देश को तबाही की ओर ले जाया जा रहा है। अब इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने
ये युवा विकास यात्रा निकाली है, ये लोकतंत्र में हमारा जिम्मा है सत्य जनता तक पहुंचाना, सही बात प्रजा के सामने रखना, जनता की शिक्षा दीक्षा करना, ये सार्वजनिक जीवन का दायित्व होता है। और आपने जिस प्रकार से मेरा स्वागत सम्मान किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत